देखेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास इतिहास, इतिहास है यह, देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 7 सालों के जो क्वेश्चन हैं उसको आपको बताए जा रहे हैं। इसको कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, सिर्फ एक ट्रिक है, आप तो जानते ही हैं कि ट्रिक से ये सवाल चलता है। कार्ल मार्क्स का जन्म, क्या चीज पूछा है बाबू? जन्म। और किसका जन्म पूछा है? कार्ल मार्क्स। सब पे ट्रिक लागू नहीं होता, सब पे ट्रिक लागू नहीं होता, लेकिन कुछ आपका दिमाग भी होना चाहिए कि ट्रिक किस पे जा रहा है। ज से जन्म, ज से जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। हम यहां पे खूब आराम से जर्मनी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन याद हो गया फाइनल हमेशा के लिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बाबू? जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में। चलिए आइए, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक ऐसे ट्रिक के द्वारा देखेंगे जब तक जिंदगी रहेगी याद रहेगा। देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या लिखे हैं बाबू? चलिए गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 13 हो गया ना। और 3 और 1 कितना होता है? 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो 13 तक आप गिने ही थे। सवाल क्या लिखा था? कब हुआ था? तो 13 तक गिन लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 के बाद क्या होगा? 19। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 उतार सकते हैं इस क्वेश्चन को। 13 अप्रैल, चौथा महीना क्या होता है? अप्रैल। मिटा दें इसको। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश ने की थी? मुद्रा, चलिए मुद्रा से ही हम आते हैं। मुद्रण की शुरुआत किस देश ने की थी विश्व में सबसे पहले? मुद्रण मीन्स होता क्या है? पैसा। बहुत बढ़िया, मुद्रण मीन्स होता क्या है? पैसा। हो गया, पैसा। जब हम लोग पैसा के लिए दुनिया में दिन भर खींचा तानी लगी रहती है, लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है? इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, सारे लोग क्या करते हैं बाबू? खींचा तानी करते हैं कि नहीं? और पैसे को लेकर ज्यादा जब टेंशन हो जाता है तो सभी लोग एक कप क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, नहीं पीते हैं? और च से चाय और च से चीन, याद रखिएगा। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी? चीन ने की थी। फाइनल, देख सकते हैं आप, पैसा, पैसा होगा तो आप चाय पियेंगे, याद रखिएगा। और चाय सबसे पहले चीन। लंदन में प्राथमिक शिक्षा लागू की गई, देखेंगे प्राथमिक शिक्षा, देखेंगे यहां ट्रिक है ये। प्राथमिक शिक्षा लंदन में लागू की गई थी, कब लागू की गई? कौन सा अक्षर है ये? स, स से 70, स से क्या हो गया? देखिए यहां पे 0 है ना, तो हम इधर 0 से बढ़त में लिखेंगे 1, 0 के बाद 1 होता है कि नहीं? तो 7 के बाद में क्या होता है? 8। 1870 में हुआ था लंदन में प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत, कब हुई थी? 1870 में। ट्रिक आप याद रखेंगे, अगर भूल जाते हैं तो वीडियोस को देख के भी आप अपना काम चला सकते हैं। भूमंडलीकरण शब्द का, भूमंडलीकरण देखेंगे, बड़ा बढ़िया सा इसका भी हम ट्रिक लेके आए हैं। भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण एक शब्द है जिसका प्रयोग किया गया था, लेकिन कब किया गया था ये देखिए, लास्ट अक्षर क्या है? नौ। नौ से नौ, नौ से क्या होगा बाबू? नौ हो गया, नौ में से नौ गया,
जीरो के पहले में क्या आता है, समझ में आ गया कि नहीं? 1990 ईस्वी में हुआ था। इसका उपयोग किसने किया था? जॉन विलियमसन। किसने? जॉन विलियमसन। जॉन विलियमसन ने इसका उपयोग किया था। हो गया, मिटा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं भूमंडलीकरण तक। जॉन विलियमसन, चलिए यहां ब्लैक बोर्ड पे पुनः एक बार और देखेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है, रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। रूसी क्रांति, रूस में जो क्रांति हुई थी उसने पूरे विश्व को क्या किया, प्रभावित किया। उसके दो प्रभाव को लिखना है, क्या करना है, दो प्रभाव को। देखिए प्रश्न हमारा हो गया, उत्तर, उत्तर देखिए हम लिख देंगे, रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। उसके दो कारण थे। पहला कारण क्या था, देखिएगा, साम्राज्यवाद का अंत। साम्राज्यवाद का अंत, ये उसका पहला प्रभाव था रूसी क्रांति का। और दूसरा प्रभाव क्या था, पूंजीपति, पूंजीपति अमेरिका का विश्व शक्ति बनना, विश्व शक्ति बनना। इसका तीसरा प्रभाव क्या था, साम्यवाद का उदय, साम्यवाद का उदय। जो प्रश्न पूछा है उसका हमने आंसर दिया, इसकी व्याख्या नहीं है। रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, दो प्रभाव को लिखे हमने आपको, इस यहाँ पे तीन प्रभाव दे दिए हैं, ये क्वेश्चन में लिख देंगे, रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। साम्राज्यवाद का अंत, रूसी क्रांति के बाद साम्राज्यवाद रूस में से बिल्कुल खत्म हो गया। पूंजीपति अमेरिका का विश्व शक्ति बना बनना और साम्यवाद का उदय, यही रूसी क्रांति के प्रभाव थे। उतार सकते हैं।